हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं साइकियाट्रिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, एनएलपी ट्रेनर और एक कोच हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नींद के बारे में। नींद जो है हर व्यक्ति को बहुत ही ज़रूरी है और उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। अभी लोगों को ये सवाल आता है कि नींद होना कितनी, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही आलसी रहते हैं, बहुत सोते रहते हैं, और कुछ लोग बहुत ही कम सोते हैं। कुछ लोग ऐसा बड़ा जवाब बताते हैं, मतलब बड़े जवाब बताते हैं कि भाई मैं सिर्फ 2 घंटे सोता हूँ, 3 घंटे सोता हूँ, पता नहीं एक्चुअली कितना घंटे सोते हैं, मगर ऐसा बोलते हैं कि कुछ लोगों को 4 घंटे भी नींद लिया तभी वो दिन भर बराबर काम कर सकते हैं। तो उनको एक हैबिट बन चुकी है 4 घंटे नींद लेके काम करने की, मगर ऐसे बहुत कम लोग हैं कि जो 4 घंटे नींद लेके वो बराबर काम कर सकेंगे। एवरेज जो है, एवरेज इंसान जो है उसको 24 घंटे में 7 से 8 घंटे नींद की ज़रूरत है। ऐसा एक सर्वे किया गया, रिसर्च किया गया है कि ऐसे 3 ग्रुप किए लोगों के, अलग अलग 3 ग्रुप्स में डाले, और एक ग्रुप को 4 घंटे की नींद दिया, एक ग्रुप को 6 घंटे की नींद दिया, एक ग्रुप को 8 घंटे की नींद दिया, और वो 4 घंटे की नींद देने के बाद में उनको कुछ मेंटल टास्क करने लगाए, कुछ मेंटल एक्टिविटी करने लगा है, मानसिक एक्टिविटी। तो उसमें यह मालूम पड़ा कि 4 घंटे से अच्छा काम, अच्छी एक्टिविटी 6 घंटे जिन्होंने नींद लिया वो कर सकते हैं और कर सके, और जिन्होंने 8 घंटे नींद लिया उनका परफॉर्मेंस जो था वो सबसे अच्छा था, उन्होंने पूरा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मतलब उसमें से निष्कर्ष ये निकला कि जो लोग 8 घंटे नींद लेते हैं तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, उन्होंने अच्छा काम कर सके दिन भर, वो उनका अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन अच्छा था, और एक वो रिसर्च जो है उसमें यह निकाला उन्होंने एवरेज कि भाई एक एवरेज आदमी को 8 घंटे नींद की ज़रूरत है। तो ऐसा बोलते हैं कि भाई एवरेज हफ्ते में, एक हफ्ते में 50 घंटे से लेके 56 घंटे तक एवरेज, ये रेंज में एक हफ्ते में नींद होना ज़रूरी है, फिर कभी कुछ कम हो गई, कभी ज़्यादा हो गई। फिर लोग बोलते हैं कि दोपहर में नींद लेना ज़रूरी है क्या? ऐसा कोई बिल्कुल नहीं है, वो अपनी अपनी आदत का सवाल है। कुछ लोगों को दोपहर में 15 मिनट आधा घंटा नींद लेते हैं और उनको वो उसकी हैबिट लग चुकी है, आदत लग चुकी है। कोई भी मानसिक बीमारी में सबसे पहला लक्षण जो होता है और वो होता है कि नींद नहीं आना। एक तो नींद आती नहीं, मतलब नींद लगती नहीं जल्दी, और समझो नींद जल्दी लग गई, मतलब देर से लग गई या जल्दी लगी जो भी है, तो फिर सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, सवेरे 3 बजे 4 बजे 5 बजे उठ जाएंगे। और एवरेज जो है मानसिक रुग्ण जो है वो 3-4 घंटे 5 घंटे सोता है। तो वो डिप्रेशन रहा तो डिप्रेशन की बीमारी में सुबह जल्दी उठ जाता है, रात को देरी से सोता है। मैनिया की बीमारी जो है हर्षवायु, उसमें 2-3 घंटे में वो उसका काम हो जाता है और वो सोता ही नहीं बाद में ज़्यादा। और स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी जो है उसमें बहुत वेरिंग रहता है, कोई 2 घंटे को सोता है, कोई 4 घंटे सोता है, कोई 6 घंटे सोता है, कोई सोता ही नहीं है। कुछ लोगों को सिर्फ नींद ना आने की बीमारी होती है, मतलब बाकी वो सब अच्छा करते हैं और बोलते हैं कि भाई हमको नींद ही नहीं आती। जब हम पूछते भाई कितने घंटे नींद नहीं, कितने दिन से नींद नहीं आ रही, बोलते हैं हमको 2 महीने से 3 महीने से नींद नहीं आ रही। एक्चुअली वो सही नहीं बोल रहे, क्योंकि इनके घर वाले ये बोलते हैं कि ये तो सोते रहते हैं, हमने देखा हुआ है इनको सोते हुए। तो उनको नींद आती नहीं है ऐसा उनको लगता है, मगर वो सोते रहते हैं और उनको सोने में बहुत सारे सपने आते हैं, बहुत सारे विचार चालू रहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हमको नींद नहीं आई। तो नींद अच्छी यदि हमको लेना है तो कुछ चंद बातें मैं आपको बताता हूँ। एक तो क्या है कि रेगुलर स्लीपिंग आवर्स, मतलब हर बार आपके जो सोने के घंटे हैं या सोने का समय है वो फिक्स होना ज़रूरी है। मतलब आपका यदि 10 से सवेरे 5 बजे तक है तो वही फिक्स रखो, रात को 12 से 7 बजे तक है तो वो फिक्स रखो, दोपहर में सोने का नहीं। रात को जब सोते हैं तब सोने के समय बहुत सारे इमोशनल भावना प्रधान जो कोई सीरियल्स है या कोई ड्रामा है, कोई पिक्चर है या डरावनी पिक्चर है, वो देखने का नहीं है। रात में कोई झंझट झगड़ा, वहाँ से दूर रहना है, वो करने का नहीं है। एकदम लाइट मूवी कोई देख रहे हैं, बहुत ही लाइट लाइट मूवी, या फिर कोई लाइट लाइट म्यूज़िक सुन रहे हैं,
या कोई मोटिवेशनल किताबें पढ़ रहे हैं या कोई पढ़ाई कर रहे हैं अपनी अपने विषय की, तो आप रात में कर सकते हैं। रात का खाना जो है वो नींद मतलब बेड के ऊपर जाने के 3 घंटा पहले तो भी कम से कम होना ज़रूरी है। मतलब आप 10 बजे सोते हो तो 7 बजे के बाद में खाना खाना नहीं चाहिए। फिर रात का खाना जो है वो हेवी होना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा बहुत बहुत लोडेड खाना, बहुत ज़्यादा खाना खा रहे वो नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का होना चाहिए। बेडरूम में ब्लू लाइट है तो वो अच्छा है। एक ही जगह पे सोते हैं, एक ही कमरे में सोते हैं, और नींद में फ़ोन ऑफ करके संभव है तो मोबाइल ऑफ करके सोने का है, और टीवी देख के सोने का नहीं है कभी भी। तो ये हम यदि करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं स्नान करके सोना तो नींद अच्छी आती है, ऐसा कुछ लोगों का कोई रिसर्च बोलता है, कोई बोलता है कि नहीं दूध पी के सोए तो अच्छी नींद आएंगी। तो ऐसे अलग 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 है। नींद के लिए कोई भी गोली लेना नहीं है। नींद के समय यदि आप बेड पर लेटे लेटे शवासन करते हैं तो बहुत अच्छी नींद आ सकती है, या फिर सेल्फ हिप्नोसिस करना, स्व सम्मोहन करना, और स्व सम्मोहन में स्वयं सूचना देना नींद की, लेटे हैं और सोने के बाद स्वयं सूचना देते हैं, स्व सम्मोहन करते उसमें स्वयं सूचना देते तो जल्दी नींद आ जाएगी और एकदम सवेरे उठेंगे तो फ्रेश लगेगा महसूस। तो ऐसे नींद के कुछ कुछ आपको मैंने तरीके बताए कि जिससे कि, क्योंकि नींद अच्छी होती है तो आपका मानसिक स्वास्थ्य दिन भर अच्छा रहेगा। नींद अच्छी नहीं होती है तो आपको दिन भर ऐसा रहेगा कि भाई नींद आ रही है, कुछ करने की इच्छा नहीं है, थकान ऐसी लगती है। तो इसलिए नींद बहुत ही अच्छी होना जरूरी है, और वो यदि आप लेते हैं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप दिन भर एक अच्छी उत्पादकता से काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। तो टेक अ गुड नाइट स्लीप, अच्छी नींद लेते जाओ। आपके परिचय में बहुत सारे लोग होंगे कि जिनको नींद नहीं आती होंगी या शांति की नींद नहीं आती होंगी, तो ऐसे होंगे तो उनको जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो सुनेंगे ना तो उनको अच्छी नींद आएगी, उनको मालूम पड़ेगा नींद अच्छी कैसे लेना। तो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।